Bismillahir Rahmanir Rahim Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahi Kareem ye problem differential calculus ke successive differentiation chapter se hai isme Leibniz theorem ka use hoga jisme do function ke multiplication ka n times differentiation hum aasani se find karte hain if y is equal to e to the power 10 inverse x prove that 1 plus x square y n plus 1 plus 2 times n plus 1 x minus 1 y n plus 1 plus n plus 1 y n is equal to 0 ये हमको प्रूव करना है और जो हमको दे रखा है वो वैल्यू ये है तो गिवन वैल्यू है y is equal to e to the power 10 inverse x इसको सबसे पहले तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में जब x के रिस्पेक्ट में इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम y1 से लिखेंगे y का जब एक बार डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में तो d by dx को हम y1 से डिनोट करते हैं और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है तो लेकिन ये x नहीं है बल्कि ये 10 inverse है इसका इसलिए दोबारा से 10 inverse x का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ पर इस इक्वेशन जो दे रखा था हमको उसे इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं तो y1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स e टू द पावर 10 इनवर्स x इनटू 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है और 1 प्लस x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में जाके y1 के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस x स्क्वायर y1 और राइट हैंड साइड में e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स है और ये जो राइट हैंड साइड में है इक्वेशन नंबर वन में देखें तो इसको हम वाई के इक्वल लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इजिकल टू वाई हो जाएगा इसको हम अगर चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ले जा सकते हैं तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन माइनस वाई इजिकल टू ज़ीरो तो एक इक्वेशन हमें और मिल चुका है ये और इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएशन चूँकि हमें करना है एन प्लस टू टाइम्स तो पहले हम दो बार डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे ये और फिर उसके बाद एन टाइम्स या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं एक बार डिफरेंशिएशन हो गया हम एन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन इसका कर दें लेबनीज़ थ्योरम के यूज़ से लेकिन ये इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है या थोड़ा अलग महसूस होता है फार्मूले से इसलिए हम इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे टू टाइम्स हो जाएगा फिर एन टाइम्स और करके इस तरीके से एन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन माने इसको सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी वाई वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई टू आ जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन का तो जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा माइनस का साइन है और वाई का डिफरेंशिएशन वाई वन हो जाएगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो है और हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में वाई वन को कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टर्म को एज इट लिख देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू और प्लस जब वाई वन इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो टू एक्स माइनस वन मिलेगा वाई वन को हमने बाहर ले लिया टू एक्स बचा इधर वन बचेगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो अब टू बार जब डिफरेंशिएशन हो गया तो हम इसका एन टाइम्स और चाहिए डिफरेंशिएशन ताकि एन प्लस टू टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन मिल जाए तो इसके लिए हमें लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करना होगा तो देखेंगे डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स वाई एन टाइम्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई यूज़ ऑफ लेबनीज़ थ्योरम तो लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं इसको करेंगे तो यहाँ पर हम एन टाइम्स जो है वो डिफरेंशिएशन जब इस टर्म का करेंगे तो उसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे तो एन सी ज़ीरो आएगा सबसे पहले टर्म है तो वन प्लस एक्स को ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका कुछ टर्म्स के बाद डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा और इसका एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो बार पहले से हो रहा था एन बार और तो एन प्लस टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया अब इस टर्म को देख के ही अगले हम टर्म लिख सकते हैं ज़ीरो है तो अगले स्टेप में एन सी वन आ जाएगा जीरो की यहाँ वन और इसका एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था तो इसका वन टाइम्स अब डिफरेंशिएशन होगा तो वन का तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स और जो सेकेंड है इसका इसमें एक बार डिफरेंशिएशन
कम कर दें इसका यानी बाई एन प्लस वन कर दें, ये एन प्लस टू टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, यहाँ पर एन प्लस वन टाइम्स, हालांकि ये हम एन बार डिफ्रेंसिएशन किया था और फिर इसके बाद एन प्लस एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंसिएशन इसका किया है, तो ये आ गया है। इसको देख के ये लिखेंगे आसान रहेगा, फिर इसे देख के लिखेंगे तो एन सी वन था ये एन सी टू हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे जो यहाँ पर मल्टीपल में है टू एक्स, टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टू इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन एक कम कर दीजिए तो वाई एन हो जाएगा, वाई एन प्लस वन था इसे कम कर देंगे। और लेबनीज़ थ्योरम देख लीजिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इसमें आप देख सकते हैं। अब इस वाले टर्म का तो जो कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना था, जो लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से हम लोगों ने एन बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे ही यहाँ पर भी चूँकि एक्स का फंक्शन है और ये वाई ये एक्स का फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का भी एन टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, तो उसके लिए भी चूँकि लेबनीज़ थ्योरम दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का एन टाइम्स डिफरेंसेशन हमको डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, तो फार्म हम लोग जानते हैं शुरुआत होती है एन से ज़ीरो से, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी टू एक्स माइनस वन को एज इट लिख देंगे, और इसका जब एन टाइम्स डिफरेंसेशन करेंगे वाई वन का तो एक बार तो हो रहा है, एन टाइम्स और हो जाएगा तो एन प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो है इस टर्म को देख के लिखना है, यानी एन सी ज़ीरो था आपकी वन हो जाएगा, इसका डिफरेंसिएशन कर देंगे तो आ जाएगा टू इंटू वन हो जाएगा, एक्स का डिफरेंसिएशन वन और माइनस कॉन्स्टेंट का डिफरेंसिएशन ज़ीरो, इसमें एक बार कम कर दी डिफरेंसिएशन वाई यानी एन आ जाएगा। अब इसको देख के अगला टर्म लिख सकते हैं, लेकिन ये चूँकि कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंसिएशन ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका अब चूँकि एक बार भी डिफरेंसिएशन नहीं था, यहाँ पर एक बार फिर दो बार तीन बार करेंगे तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंसिएशन ज़ीरो और ज़ीरो का डिफरेंसिएशन ज़ीरो होता चला जाएगा, तो आगे टर्म नहीं आएंगे, बस इतने ही टर्म आएंगे, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, ज़ीरो का भी एन बार डिफरेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ज़ीरो ही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, एन सी ज़ीरो की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो वन होती है वैल्यू, ऊपर कुछ भी लिखा हो तो ये वन हो जाएगी। पीछे देख लीजिएगा अगला फैक्टर है वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है वाई एन प्लस का टू प्लस, फिर एन सी यहाँ पर वन है, अगर वन है तो ऊपर जो लिखा है एन एन वही वैल्यू आ जाती है, और इनटू में चल रहा था टू एक्स, पीछे देख लीजिएगा और वाई एन प्लस का वन है प्लस एन सी टू की वैल्यू होती है एन एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू, जिसकी वैल्यू वन इंटू टू होती है, टू इंटू वन पहले से लिखा हुआ है, वाई एन ब्रेकेट जो क्लोज था उसे हमने अब यहाँ पर हटा दिया है, अगला जो ब्रेकेट है उसमें टर्म लिखना है प्लस करते हुए उसको लिखेंगे, ये ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन होगा और वन लिखने के बाद ये टू एक्स माइनस का वन है और वाई एन प्लस का वन, फिर नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं तो एन सी वन की वैल्यू एन होती है जैसे पहले बता चुके हैं, और ये इंटू में टू चल रहा है और वाई एन है इंटू में, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है, ये वैल्यू जो है वो टू के बराबर थी वो लिख लिए, बाकी इसी को देख के लिखा है, आप दोबारा से भी देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पर वन का इंटू करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस का टू, और इसके बाद हम बाई एन प्लस वन वाले टर्म एक साथ लिखना चाह रहे हैं इन दोनों को, ताकि कॉमन देके दिखा दें, टू को पहले ही लिख दें टू एन एक्स और वाई एन प्लस का वन, उसके बाद इस टर्म को लिख देंगे प्लस का टू एक्स माइनस वन और वाई एन प्लस का वन, और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारा वाई एन वाले ये दोनों टर्म को लिख देंगे जो एन एन माइनस वन वाई एन है, और इसको लिखेंगे प्लस का टू एन और वाई एन राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यहाँ पर ज़ीरो होगा, और इस इन दोनों टर्म में कॉमन लिख देंगे तो कॉमन ले लेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस टू, तो ये कॉमन है इसको हम बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा टू एन एक्स बच रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर टू एन एक्स बच रहा है, और यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास, उसको हम ब्रेकेट में लिखेंगे, ये है टू एक्स माइनस का वन, और ब्रैकेट के बाहर जो हमने कॉमन जो था उसे बाहर लिया, तो वाई एन प्लस वन है प्लस इन दोनों टर्म्स में भी हम वाई एन कॉमन लेंगे, तो एन एन माइनस वन है फर्स्ट वाले में टर्म में प्लस सेकंड में टू एन है ये, और वाई एन को हमने बाहर लिया है, राइट हैंड साइड में ज़ीरो के बराबर है, और फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं करना है, एज इट नोट कर लीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का टू,
और प्लस इन दोनों टर्म्स में से हम एक्स को कॉमन ले लेंगे और टू वी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख देते हैं। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में जैसे प्रूव करना और लिख देंगे, टू कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड में एक्स को लिख लेंगे, तो हमारे पास एन बचेगा, इधर वन बचेगा क्योंकि हमने एक्स और टू दोनों ही को ही कॉमन ले लिया है। ये माइनस वन साइड से लिख दीजिए और ये कर्ली ब्रैकेट को वन करते हो उसमें मल्टीप्लाई वाई एन प्लस वन का कर दें प्लस, और इस एन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, प्लस का टू एन है इन दोनों के डिफरेंस, प्लस का एन बचेगा जिसको हम लिख लेंगे वाई एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और सारे टर्म आ चुके हैं शुरुआत के दोनों, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये प्रूव करना था आ चुका है, ये टर्म भी आ चुका है टू एन प्लस वन टाइम्स एक्स माइनस वन और वाई एन प्लस वन। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये एन स्क्वायर है, टू एन में से एक एन माइनस होगा तो एक एन बचेगा, वाई एन इजिकल टू ज़ीरो, और ये है जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस कर्ली ब्रैकेट टू टाइम्स एन प्लस वन टाइम्स ये एक्स है माइनस का वन और वाई एन प्लस वन प्लस इन दोनों में से एन को जो कॉमन ले लेंगे तो एन प्लस का वन हो जाएगा, वाई एन राइट हैंड साइड में ज़ीरो, हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दावाना अलहमदिल्लाहि रब्बिल आलमीन।